सारे बाण भाइया न राम राम। आज मैं आपको वीडियो का पार्ट टू दिखा रही हूँ, कुर्ते पजामे की स्टिचिंग। ये देखिए, अभी मैं ये बटन पट्टी लगाऊंगी इधर। ये पहले जिस पे बटन लगेंगे वो पट्टी है। ये एक पंजे की सिलाई लगानी है इस पे, यहाँ तक। अब यहाँ से पक्का कर देंगे और ये थोड़ा हकट लगा के इसको ऐसे सीधा करके और ये सिलाई लगा देंगे किनारी से। और एक पॉइंट का एक सिलाई और लगाएंगे ऐसे। अब इस साइड लगेगी जिस पे हम काज करते हैं वो पट्टी लगेगी इधर चौड़े वाली। अब इसकी ऐसे सिलाई करके और इस पे भी हमने ये कट लगाना है इधर। अब इसको ऐसे सीधा करके और ये सिलाई लगा लें ताकि हमारी पट्टी ये आराम से मुड़ सके। अब ऐसे मोड़ेंगे इसको इस पे, तो ये अच्छे से सफाई के साथ ही हमारी पट्टी फोल्ड हो जाएगी। अब इसका हमने ऐसे बना देना है। और ये सिलाई 2 इंच ऊपर ले जाके और ऐसे 2 सिलाई लगा दें। ये देखिए कितनी अच्छे से सिलाई लगी है, कितनी अच्छे से सफाई के साथ ही। ये ऐसे बना है। अब ये जो साइड से कट किया था जेब के लिए, अब हम उसको फोल्ड करेंगे। ये हमने बारीक ही फोल्ड करना है। ये पिछले भाग का फोल्ड किया है, दोनों को साथ साथ ही फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए फोल्ड कर लिया है दोनों का, अगला पिछला भाग। अब हम इसके कंधे सिलाई करेंगे ऐसे मिला के। ये दोनों कंधे साथ ही सिलाई कर देंगे। अब इसको ऐसे सीधा करके और ये किनारी से सिलाई लगा देंगे ऐसे। अब मैं बाजू स्टिच कर रही हूँ। अब ये बाजू को आगे से थोड़ा ही मोड़ना है। और ये ऐसे लगा देंगे कोई खिंचाव वगैरह नहीं करना है। ये देखिए मैंने खिंचाव नहीं किया है और आराम से देखिए हमारी बाजू स्टिच हो गई है। अब ये सिलाई लगानी है। ये मोरी ली है मैंने 4 इंच की बाजू की। अब ये ऐसे सिलाई लगेगी और ये सिलाई अब ये यहाँ तक ही लगेगी। आगे हमारी जेब का रास्ता है, आगे हमने जेब लगानी है। ये 2 सिलाई लगा दी है मैंने। अब ये बीच में जो 2 इंच का लिया था मैंने, अब इसको स्टिच करना है।
और ये मैंने इस पे भी दो सिलाई लगा दी हैं। अब ये दूसरी साइड से भी ऐसे ही स्टिच कर देंगे। ऐसे ये देखिए दोनों साइड का हमारा स्टिच हो गया है। और इसको सीधा करके अब हमने ये जेब की सिलाई करनी है। जेब को ऐसे फोल्ड कर लेंगे, ये डबल सिलाई लगा दी है मैंने जेब पे। ये दोनों साइड से ऐसे ही सिल लेंगे। अब इसको सीधा करके ये कट का निशान लगा दिया है मैंने। अब ये हमारा कुर्ता है, इस पे इसको ऐसे रखेंगे, उल्टी साइड रखा है मैंने कुर्ता। अब इसको ऐसे सीधा करके जेब को, और ये बराबर से ऐसे मोड़ के ऐसे सिलाई लगाएंगे। अब इतना ही ऐसे ही इसको भी इसी शेप में मोड़ लेंगे ऐसे। कुर्ते पजामे की कटिंग की वीडियो मैंने इससे पहले ही डाली थी, और ये अब स्टिच की है। ये देखिए ऐसे हमारी जेबें तैयार हो गई हैं। अब हमने पैन लगानी है इस पर, तो हमने ऐसे गला नाप लेना है। गला हमारा 15 इंच का है, तो 1 इंच ज़्यादा लेंगे। 16 इंच की ली है मैंने ये बुकरम। और ये निशान लगा लिया मैंने ऐसे। 1.5 इंच की काटी है मैंने ये बैन की। अब इसको ऐसे रख के ऐसे सिलाई लगाएंगे। ये देखिए मैं बारीक सिलाई लगा रही हूँ, और अब इसको ही ऐसे फोल्ड कर लेंगे ऐसे। और ये इसके बिल्कुल पास से सिलाई लगा रही हूँ। अब इसको ऐसे काट के और इसको ऐसे सीधा कर लेंगे। और ये ऊपर से मोटा बखिया लगा देंगे, अच्छे से सफाई आए इसलिए। अभी जो ज़्यादा कपड़ा था वो मैंने काट दिया है। अब इसके ऊपर ऐसे रख के और ऐसे इसकी सिलाई लगाएंगे। और ये भी बिल्कुल पास से ही लेके जा रही हूँ मैं। ये देखिए ऊपर वाले को दबा नहीं रही हूँ। और ये भी देखिए नहीं खिंचाव किया है मैंने, ये भी बिल्कुल आराम से आ गया हमारा। कोई कपड़ा छोटा बड़ा नहीं है। और इसको ऐसे अंदर करके अब ये सिलाई लगाएंगे किनारी से। ये सिलाई देखिए बिल्कुल सफाई के साथ लग रही है। हम ऐसे ही स्टिच करेंगे तो सफाई के साथ ही सिलाई लगेगी हमारी। ये देखिए ऐसे अंदर कर दे इस कपड़े को। अब इसी को ऊपर से और ऐसे ही सिलाई ले आए किनारी से।
तो इसमें अच्छे से सफाई आएगी। और ये जो मैंने मोटा बखिया लगाया था अब उसको निकाल दिया है। ये देखिए ऐसे हमारा कुर्ता तैयार है। ये देखिए आप पजामे की स्टिच सिलाई होगी अभी। अब इसके साइड से हम सिलाई लगा लेंगे। ये दोनों की सिलाई ऐसे ही लगेगी। ये चार भाग थे हमारे ऐसे। आप इसको ऐसे मिला देंगे आसन से और ये सिलाई लगा दें। ये डबल सिलाई लगेगी, ये ध्यान रहे। सिंगल सिलाई लगाएंगे तो जल्दी खुल जाएगी। ये दोनों साइड ही लगा दी है मैंने। अब हम इसको इतना मोड़ेंगे नेफे को जितनी हमारी इलास्टिक आ जाए। इसमें इलास्टिक डालनी है। ये देखिए बराबर मोड़ रही हूँ मैं, कहीं से चौड़ा बीड़ा नहीं है। और ये मैंने थोड़ा छोड़ दिया है यहाँ से इलास्टिक डालने के लिए। अब मैं लंबाई नाप के अब इसको नीचे से फोल्ड कर दूँगी। जितनी हमारी लंबाई है हम उतना नाप के ऐसे निशान लगा लेंगे जितनी हमने मोरी रखनी है। अब ये नीचे से फोल्ड कर दूँगी। ये इतना फोल्ड होगा हमारा। ये दोनों को ऐसे ही फोल्ड कर दिया है मैंने। अब ये देखिए लंबी सिलाई लगा देंगे। मोरी मैंने 7 इंच की ली है। अब ये इलास्टिक डाल दूँ इसमें। इलास्टिक जितना पजामे के नेफे का घेर था उसे आधी ली है। अब इसको ऐसे यहाँ से सील देंगे जो इलास्टिक डालने के लिए छोड़ा था मैंने। और अब इसको ऐसे खींच के अच्छे से करके बराबर अब ये हम बीच से सिलाई लगाएंगे। एक ही सिलाई बहुत है इसमें, बीच से सिलाई लग जाएगी तो हमारी रबड़ हिलेगी डुलेगी नहीं, इधर उधर नहीं होगी। ये ऐसे होगी हमारी, इलास्टिक भी तैयार हो गई। अब ये देखिए पजामा तैयार है। अब हम इसको ऐसे सीधा कर देंगे। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, कुछ नया लेके आऊँगी। बाय बाय।